हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल। और आज जाने की तैयारी हो गई है, तो सुबह के बज रहे हैं 5 और अभी चाय और नाश्ता रेडी। तो करते हैं, फिर निकलते हैं बाहर को। तो तैयारी हो गई हमारी, अभी बस टैंक बैग लगाना बाकी है। जय माता दी। सुबह के बज रहे हैं 6 और हम निकल चुके हैं। रोड बारिश की वजह से काफ़ी गीली है। आज ही मौसम साफ हुआ है, लेकिन अभी बारिश रुकने का नाम जैसा लग नहीं रहा, क्योंकि आज फिर से बादल आ गए हैं। नीचे नीचे अभी भी कोहरा काफ़ी है। इनको डायलॉग पूरा लिखना चाहिए था। कष्ट हेतु खेद है, रोड में बहुत छेद है, कृपया आगे संभल के चलिए। नदी का बहाव कितना तेज है, भयंकर बारिश। 4 दिन की बारिश का नतीजा है कि इसका बहाव इतना तेज है। प्राकृतिक सुंदरता कब आपदा बन जाए इसे कुछ कह नहीं सकते। हम पहुंच चुके हैं तल्ला रामगढ़। बस रास्ते में हमको गब्बर भाई ना मिल जाए और ये ना कह दे कितनी आदमी। तो फिलहाल हम पहुंच गए हैं मल्ला रामगढ़। अब यहाँ देखनी है कोई दुकान जहाँ मिल सके चाय पान, जलपान, जहाँ हो सके जलपान। यहाँ तो हो जाएगा। चुके हैं। अच्छा, हमको पता ही नहीं था। मन्नू कितनी ठंड है, देख समझ। नाश्ता, पहला ब्रेक ले रहे हैं चाय और पकौड़ी का। गरम गरम चाय, मस्त। जरा देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर झरना, छोटा सा है बट बहुत ही प्यारा है। क्योंकि बारिश बहुत तगड़ी हुई है तो छोटी छोटी जगहों पे छोटे छोटे झरने दिख जाएंगे आपको। रौसे गाने पानी इतना है कि त्राही त्राही हो गई है बाहर। लेक से ज़्यादा पानी तो यहाँ उसमें नाले में बह रहा है। ओहो अंकल जी, आराम से। तो अभी हम पहुँच चुके हैं भीमताल, जिसकी लेक का पानी वैसे तो नीला है, आज दिख रहा है
मिटमेला, क्योंकि बारिश का पानी पूरा मट्टी लेके यहीं पहुंचा है। इतना पानी है, इतना पानी है, गजब ही पानी। और रोड की खस्ता हालत आप देख सकते हैं, पता नहीं उत्तराखंड सरकार क्या कर रही है, एक रोड नहीं बना पा रही है। हम सेकंड ब्रेक, क्योंकि यहाँ पर की लोकेशन बड़ी प्यारी है तो यहाँ पर करेंगे थोड़ी फोटोग्राफी। बैकग्राउंड में बढ़िया है, यहाँ नहीं आ रही, ऊपर चलना पड़ेगा। क्या फोटो चलती हूँ, चाय पिला दो, फिसल गई यहाँ से। क्या कर रही हो, वहाँ मत जाओ, नीचे गिरोगी। यहाँ बैठ कर यहाँ क्यों बैठोगी, कुछ नज़ारा नहीं आएगा पीछे का। पहले टॉयलेट करके आते हैं। सो फिलहाल अभी हमने लिया है एक और ब्रेक रामगढ़ के बाद, सामने से आते हुए महाशय क्लक कैसे रहे फिर से एक और ब्रेक लेते हुए उसके बाद चलेंगे आगे की तरफ। ये हमारा बंदर है, नाचते रहते जो बंदर वाला डांस करते हैं। तो एक ब्रेक लेते उसके बाद सीधे चलेंगे, है ना, फिर सीधा आगे रुकेंगे मे बी रुद्रपुर। मैंने तो ऐसे डाल दिया। आपके इसमें कैप है ना, इस पे कैप नहीं है। हेलो, हाय, हाउ आर यू, खाना खा के जाना। ये रोड में खाना पकाएंगे अभी आप लोग के लिए। ये मैगी बनती है, बढ़िया मस्त। और तो यहाँ लिया है हमने सेकंड ब्रेक और अभी हम रुके हैं बेताल घाट में। बेताल घाट है भैया, क्या है जगह का नाम? छलड़ी। छलड़ी, तो अभी हम रुके हैं छलड़ी में। मैगी खा रही हैं, मैगी मैगी बाल वालों मैगी खा रही हैं। 10 किलोमीटर काठगोदाम पड़ता है, 10 किलोमीटर। अच्छा, बीच में। तो हम पहुंच चुके हैं हल्द्वानी, अब पहाड़ी इलाके से निकल के मेन सारे इलाके पे। हाँ, मैं वही देख रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी हम रुके हैं मुराबाद, मुरादाबाद के पास पास मुरब्बा, और हमने ऑर्डर किया है आलू पूरी, पूरी सब्जी। ये हमारा दूसरा ब्रेक है, दूसरा है, तीसरा है, तीसरा है कि थोड़े कम ने वहाँ पे ले लिया था ना, तो ठंडे के बाद जब नॉर्मल टेम्परेचर में आ गए थे। तो करते हैं लंच। तो ये पहुँच गए हम गढ़मुक्तेश्वर, और ये रही गंगा नदी, माँ गंगा, जय गंगा मैया। लास्ट ले लियो सर, ऐसी बात कोई तो पूछो, क्या रेट लगाओगे? 500 के 2 लगे। 500 के 2, ठीक है, धन्यवाद। मेरे को लगा था सिर्फ उत्तराखंड में ऐसी ख़राब रोड मिलेंगी, ये तो यहाँ भी मिलती है यूपी में। फाइनली पहुँच गए हम दिल्ली, फिर से आ गए भसड़ वाले इलाके में, जहाँ ट्रैफिक ही ट्रैफिक रहता है और कुछ रहता ही नहीं है। हो गया है, अरे हमारी घड़ी तो 7 नहीं बज रहे हैं, 1:15 हो रहा, चल तो रही है घड़ी। मुझे लग रहा है हमारे साथ हमारी घड़ी भी रुक गई जैसे हम गए। तो फिलहाल बज रहे हैं 6:30 और हम पहुंच चुके हैं दिल्ली, 12 घंटे का सफ़र करके, 12 घंटे की राइड। तो कैसी लगी तुमको 12 घंटे की राइड? तो भाई हालत तो दयनीय हो गई है, ठंडा गर्म सब कैसा हालत। तो जिस काम के लिए आए हैं चलो वो स्टार्ट करते हैं ऑफिस का, फिर मिलते हैं आपको। और हाँ, और हम ब्लॉग को भी यहीं करते हैं एंड, आपको मिलते हैं अब कल के ब्लॉग पे। अच्छे अच्छे बन गए आपसे मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग पे, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। और अब फिर से स्टार्ट करेंगे अपनी डेली की दिनचर्या, फिलहाल के लिए करते हैं ब्लॉग को यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग पे। बाय बाय।